गाइस क्या एलविश यादव अपनी सर्जरी करा रहे हैं और ध्रुव राठी ने रिप्लाई दिया है अपने हेटर्स को। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहना। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एलविश यादव के बारे में। गाइस एलविश यादव, आपको पता होगा, एक दो दिन का ब्रेक लिया है। उन्होंने अपने कल के व्लॉग में बताया था कि मैं एक दो दिन व्लॉग नहीं डालूंगा, तो इसी से रिलेटेड उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाया और जिसमें उन्होंने ये कपड़े पहन रखे थे। आपको पता होगा ये कपड़े वही पहनते हैं जो सर्जरी वगैरह कराते हैं। इसी को लेकर सब लोग ये कह रहे हैं कि एलविश यादव भी कुछ ना कुछ सर्जरी जरूर करा रहे हैं। वैसे अभी ये कंफर्म न्यूज तो नहीं है, एलविश यादव का जो ब्लॉग आएगा वही डिटेल में समझाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में। गाइस एक यूट्यूबर ने इल्जाम लगाया था ध्रुव राठी पर कि उनकी ज्यादातर ऑडियंस पाकिस्तानी है। पहले आप वो क्लिप देखिए। पाकिस्तान में ध्रुव राठी छाए हुए हैं क्योंकि उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर पाकिस्तानी हैं और यही वजह है कि उनके वीडियो के बहुत करोड़ों। तो इसी का रिप्लाई करते हुए ध्रुव राठी ने अपना यूट्यूब चैनल का एनालिटिक्स ही खोलकर दिखा दिया कि उनकी ऑडियंस पाकिस्तानी है, इंडियन। आप इसमें साफ देख सकते हैं कि कितनी कम ऑडियंस है उनकी पाकिस्तान की और ज्यादातर ऑडियंस उनकी इंडिया की ही है। जिसके बाद ध्रुव राठी ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, हा हा, जस्ट टू डिबंक दिस नॉनसेंस स्ट्रेट अवे, हेयर्स स्क्रीनशॉट ऑफ माय एनालिटिक्स। चलिए अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं मैक्सटन और एलविश यादव की। कुछ दिन पहले कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी जिसके बाद मैक्सटन ने एलविश यादव के खिलाफ FIR कर दी और उनका कोर्ट वगैरह का भी सीन हो गया था। तो इसी से रिलेटेड मैक्सटन लिखते हैं, ये केस हटाने का कोई प्रोसेस ऑनलाइन नहीं है साला, हम 4 बार कोर्ट जा चुके हैं सिर्फ साइन करने के लिए, अभी 1 बार और जाना है। यानी मैक्सटन ये कहना चाह रहा है कि मैंने केस करके मैं पछता रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 के इंडिया स्क्वेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, BCCI ने स्क्वेड बना दिया और T20 वर्ल्ड कप में कौन कौन खेलेगा चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आप इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि रोहित शर्मा इसमें कैप्टन रहेंगे और हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन, और यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, हर्षदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज, ये सब लोग T20 वर्ल्ड कप में खेलने वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं मुनव्वर फारूकी के बारे में। गाइस मुनव्वर फारूकी के एक फैन और उनके फ्रेंड भी हैं, उनको उन्होंने एकदम सरप्राइज कर दिया। जी हाँ दोस्तों, काफी साल बाद वो उनसे मिले और उसके बाद उनके फ्रेंड का क्या रिएक्शन था आप खुद ही देख लीजिए। हेलमेट मत उठाना, हेलमेट उठाएगा बवाल हो जाएगा, समझे ना भाई, तो जरा भी तो पहले गले मिल जाए, हेलमेट पर उठा। चलिए अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं राउंड टू हेल के बारे में। गाइस राउंड टू हेल की न्यू वीडियो का क्या हमें हिंट मिल चुका है? जी हाँ दोस्तों, नाजिम ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई जिसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने IPL की जर्सी पहन रखी है RCB की, और पीछे लड़का बैठा हुआ है जिसने चेन्नई की जर्सी पहन रखी। तो इसी से रिलेटेड कुछ लोग हिंट लगा रहे हैं, उनका EPL स्पूफ जो पार्ट आता है उसका ही पार्ट 3 आने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं वड़ा पाव गर्ल के बारे में। गाइस ये बहुत ज्यादा वायरल हुई थी आपको पता है, और इनकी देखम धाक बहुत लोगों ने वहाँ रेडी लगा ली थी वड़ा पाव की, जिसमें डिफरेंट तरीके के वड़ा पाव बिक रहे थे। इसी से रिलेटेड उनके हस्बैंड की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जहाँ पर वो अर्जी लगा रहे हैं। वो एक ऑफिस में गए थे और उन्होंने कहा था कि ये रेडियां हटा दीजिए, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। भाई साहब आप MCD से हैं, आप सब MCD कर्मचारी हैं, तो कल ये वाले भाई साहब कल आपके ऑफिस में आए थे, कल ये आपके ऑफिस आए थे, और इन्होंने ऑफिस में आके क्या बोला था? सारी रेडियां हटा दो। तो सारी रेडियों को हटाने के लिए इन्होंने कहा था यार, आपके वीडियो सुना बना रहे हैं, इन्होंने कहा वीडियो प्रूफ है मेरे पास, आपके सामने बोला इन्होंने, तो आप आए तो थे, इन्होंने क्या 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 एक्शन बोला था इन्होंने लेने के लिए? इन्होंने कल आके बोला क्या है? इन्होंने यही बोला था कि जितनी भी यहाँ पे एंक्रोचमेंट है सबकी हटा दी जाए, ये बोला था। आज आपने अपनी रेडी क्यों नहीं लगाई? आज आपने अपनी रेडी क्यों नहीं लगाई? अच्छा रास्ते में थी आपकी रेडी थी, तो कल लेके आएंगे आप, कल लेके आएंगे आप रेडी? हाँ जी, हाँ जी। ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू।